की सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाखों कदम उठाए, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से भ्रष्टाचार नहीं रुक पा रहा। ऐसा ही एक मामला तेंदुखेड़ा से आया है, जहां कोटाखेड़ा ग्राम पंचायत के लोगों ने सचिव विजय दत्त तिवारी पर मनमानी का आरोप लगाया है। हितग्राहियों का कहना है कि गांव के 15 हितग्राहियों के आवास के लिए लाखों रुपए की राशि आई थी, लेकिन सचिव ने प्रत्येक हितग्राही से 4,000 रुपए पहले से ले लिए और उसके बाद हितग्राहियों से ही मजदूरी कराई और मजदूरी का पैसा भी नहीं दिया गया। यहां तक कि गांव में लगभग 30 शौचालय अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत कोटखेड़ा में ग्राम पंचायत के सचिव विजय दत्त तिवारी के विरुद्ध मनरेगा एवं अन्य योजनाओं में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है। मौके पर पूर्व में भी जांच की जा चुकी है, जो ज्यादातर निर्माण कार्यों के सही ढंग से न कराए जाने की शिकायत है, तो निर्माण कार्य सही पाए गए हैं मौके पर। एक अन्य शिकायत है जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से प्रति आवास की दर से 5,000 रुपये की अवैध राशि की मांग किए जाने संबंधी, तो समक्ष में जाके हितग्राहियों से इसके बारे में बयान लिए जाएंगे, उसके बाद ही कुछ कह पाना है।